गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ मैं नहा धोकर पूजा कर कर हो चुकी हूँ फ्री, और पिया गर्म पानी। फिर मैंने बनाया खाना, गोभी मटर की सब्जी, और काफी टेस्टी सब्जी बनी थी इस दिन। फिर उसके बाद मैंने लगाया फटाफट से आटा। आटा लगाने के बाद मैंने लगाया ब्लिंकिट से ऑर्डर, और ये हमारे ब्लिंकिट वाले 9 मिनट के अंदर ही पहुंच गए। फिर मैंने ब्लिंकिट का सारा सामान अनपैक किया और थोड़ी सब्जियां मंगाई थी। मैं गाइस सारी सब्जियां धो के फ्रिज में अच्छे से बॉक्स में पैक करके रखती हूँ ताकि वो लंबे टाइम तक चले। मैंने दही और पास्पस भी मंगाया। पास्पस खाने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। मैंने सारा सब्जी को धोकर अच्छे से पैक किया। गाजर को भी ऐसे टिश्यू पेपर लगा के रखो तो वो ज्यादा दिनों तक चलती है। फिर उसके बाद धनिया भी अच्छे से टिश्यू पेपर में रैप करके और पेपर में पॉली बैग में रैप करके अच्छे से रखो तो धनिया काफी दिनों तक फ्रेश रहता है और अच्छा रहता है। तो मैं गाइस सारी मतलब सब्जी, फ्रूट और सब चीजें ऐसे ही फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो लंबे टाइम तक अच्छे से चल सके। फिर मैंने सब रख दिया फ्रिज में, और फिर उसके बाद सोचा यार थोड़ा बेबो के साथ भी खेल लेना चाहिए। तो मैं गई यहाँ पे बेबो के साथ की थोड़ी सी मस्ती, पर यहाँ तो बेबो तो लगी है भाई मिक्की माउस के हाथ पैर तोड़ने में, पर ये कुछ ज्यादा बड़ा है तो ये इसके हाथ पैर तोड़ नहीं पाई। फिर मैं पहुंच गई दुकान पे। दुकान पे आई थोड़ी सी शादी की मिठाई, और ये है हमारा अकाउंटेंट जो पूरा डिब्बा के लिए ठूसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेबो और मैं तुरंत वहां पे पहुंच गए। फिर लेके गए बेबो को डॉक्टर के पास। यार बेबो ठीक ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको बेचारी को। फिर हम गए अपने दूसरे आउटलेट पे थोड़ा ऑडिट करने के लिए, जो है सेक्टर 86 आयरस ब्रॉडवे मॉल में। तो आ गए हैं हम अपने सुंदर से कैफे में। देखिए गाइस ये है हमारे कैफे की लोकेशन, कैसा लगा जरूर बताना। और ये यहाँ है ये हमारा कैफे, और ये है हमारा मैनेजर विक्रांत। ये गाइस बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे से मतलब कैफे संभालता है, बहुत अच्छा मैनेजर है ये। इसके साथ किया मिलकर थोड़ा सा काम। गाइस हमने पिज्जा भी खाया, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई जो हमने पिज्जा खाया। और ये बेबो चल दी राजेश भैया के साथ घूमने, और बेबो पीछे मुड़ के देख रही है मम्मी आप क्यों नहीं आ रहे हो साथ में। तो मैं थोड़ा सा रास्ता बेबो के साथ गई, और फिर हो गया हमारे वापस जाने का टाइम। भाई आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, और फिर उसके यहाँ से तो जाने के बाद इतना थक जाते हैं ना कि व्लॉग को एंड नहीं कर सकते। तो मैंने अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया। कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो रेड हार्ट बटन जरूर दबाना।